क्या यार, नहीं 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 गोपी, कोई ऐसी चौंकने वाली बात नहीं है। तेरा स्कूटर है ना, खराब तो होना ही है, हो गया खराब तो एक काम कर यार, इसे बेच के ना कैलकुलेटर ले ले। हैव पेशेंट, आप देखना मैं एक किक मारूंगा, ये हवा से बातें करेगा। ओए होए 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 होए, टी शर्ट एक सॉरी दो सॉरी तीन मम्मी कपूर प्यासा है। ये रोमांटिक फिल्म में हॉरर पिक्चर कैसे आ गई? मेरे पास टिकट नहीं है। चालू कर दे, पैसे भरे, चालू कर। पानी का बहुत प्यासा है। एक सौ साठ सौवे, एक सौ इकसठ सौवे। इनको क्या हो गया यार? नहीं यार, फिल्म में होगा कोई भूत वाला हॉरर वाला सीन, तू अपनी कोशिश जारी रख यार। कहा था ना मैंने कि एक किक से स्टार्ट हो जाएगा। चल यार, चल चल चल। सौवे गोपी यार, प्लीज जल्दी कर। वन मिनट बेन, मेरा मतलब है मैडम, अहमदाबाद से आया हूँ। तो मैं क्या गरबा करूँ तुम्हारे लिए? अरे उसके लिए तो ऊंचू ने ढोकला तेपला खाई कई ने, अरे गरबा तो मेरी कमजोरी है। या ब्रो, व्हाट्स अप प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द है। अरे मेरा, मैं हूं ना हितेश भाई, अहमदाबादी, अहमदाबाद से आया हूं। और मैडम, मैं इनकी वाइफ जीना अहमदाबादी, ढोकला तेपला कई कई ने। मैडम मैडम, इस केस को मैं समझ चुका हूं। मैडम मैडम, जरूर भाभी जी को किसी ने छेड़ा है जो हैवानियत का पेड़ा है। अरे मैडम, ऐसी बात नहीं है, हमारे बगल के गांव में ही ने एक टाकीज है, नहीं ना टाकीज, वहाँ पे ना रोमांटिक पिक्चर लगी थी और हम लोग देखने गए थे। और मैडम, रोमांटिक फिल्म देखना तो मेरी कमजोरी है। अरे तो क्या चाह रहे हो, हिंदी फिल्म में जो है सॉन्ग ना है। ओ,
नहीं मैडम, सॉन्ग आना चाहिए, पर सॉन्ग के बाद जो आया ना वो नहीं आना चाहिए। हो वेल, मत बुझाओ पहेली दा, मेरी दो गर्लफ्रेंड आपस में निकलाई सहेली। भाई इंसान के कुछ बुरे कर्म उसके सामने हमेशा आ गए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कह गए। हमारे भी कुछ जो है बुरे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के, जिसकी सजा के रूप में ईश्वर ने इसे हमें चेप दिया है। सही है मैडम, ये तो करेक्ट है मैडम। आओ मिलके ईश्वर को सॉरी बोले, माफी मांगे, ताकि अगले जन्म में कम से कम ये ना चिप जाए हमें। आओ भाई, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। ठीक है, एट द काउंट ऑफ थ्री है जी, जी। वन टू थ्री। वी आर सॉरी ईश्वर। चलो अब हो सके कि जो है अगले जन्म में यो घटिया आदमी, यो लीचड़, यो ना हमें मिले है जी, ना मिले तुम, यो ये वाला घटिया। और एक लास्ट मेरी तरफ से स्पेशल सॉरी ईश्वर। कंटिन्यू। और मैडम उसके बाद जो हुआ वो देख के तो हम लोग डर ही गए, ढोकला थेपला कहीं कहीं ने। ऐसा क्या देख लिया, एनाकोंडा या गॉडज़िला? मैडम हम है ना एकदम रोमांटिक फिल्म देख रहे थे, उसके बीच में हॉरर पिक्चर आ गई और वो हॉरर पिक्चर एकदम बंद हो गई और उसके अंदर जो भूत थे वो बाहर आके बैठ गए, ढोकला थेपला कहीं कहीं ने, और भूत हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैडम मैं अहमदाबाद से आया हूँ। एक मिनट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब हो रहा है कि फिल्म चल रही नॉर्मल तुम्हारी, उसके बीच में जो है फिल्म रुक के हॉरर फिल्म चालू हो गई, और उसके बाद वो भी जो है बज गई रुक गई फिल्म, और उसमें से निकल गया है भूत हॉरर में से असली वाले? हाँ। अरे यार मैडम एक मिनट मैडम, हो सकता है कि ये लोग सच कह रहे हो, क्योंकि कल नैना टॉकीज के बाहर मैं और गोपी भी थे, याद है गोपी? और कुछ लोग एकदम जोर से बाहर आए थे भागते हुए, मैडम शायद यही थे ना? या दैट इज द फेलो इज द पानी में उतर गई फेलो इज द। अच्छा मतलब मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ सलमान खान की फिल्म देख के कि यो निकल आएगा पर्दे में से, वो तो निकला ना, भूत निकल ले, बुलवाओ जरा सनी महाल के मालिक ने। काके जेंटलमैन, रोज अखबार पढ़ा कर पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के ज्ञानी को चौकी में क्या चल रहा है वो पता है, है बिल्लू? तो ऑल द वे मैं आपको लेने आया और एक प्लेट समोसे के पैसे आप नहीं दे पाए, गलत बात है सर, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, लेकिन चलिए ठीक है आप आ गए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं शौकीन हूँ। किस चीज के? गेंदा गदरील की महफिल के। मेरा नाम है शौकीन, शौकीन श्रीवास्तव, दामन दागदार है, शैम्पू झागदार है। अरे मैडम ये वो है। किसका वो? नहीं मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है, मेरे कहने का मतलब है कि ये वो नैना टॉकीज है ना मैडम, उसके मालिक है शौकीन श्रीवास्तव। तो मन ने सपना आएगा टॉकीज का मालिक हो रहा है वो। हाँ भाई गारफील्ड के लगा रखा है यार, टॉकीज में क्या चल रहा है? मतलब एक टॉकीज है सिनेमा हॉल जिसमें रोमांटिक पिक्चरें चल रही तुम्हारे में, इतने में रोमांटिक पिक्चर बंद हो गए जो है रुक के बीच में हाल्ट होके हॉरर लग जावे डरावनी। चलो भाई लग जावे तो कोई बात नहीं जो है मूड चेंज, लेकिन बात सोचने वाली वो है कि पर्दा चीर के निकल के उसमें से आ जावे भूत। यो सब क्या हो रहा कि भैया भूत दौड़ रहे तुम्हारे सिनेमा में? एक्चुअली मैडम मुझे भी ये पता नहीं चला है कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने लोगों ने मुझे कहा था कि ए देखे शौकीन आप गांव जाकर फिर से वो नैना टॉकी शुरू ना करें, क्योंकि दामन दागदार है शैम्पू जागदार है। तो ए, खुश रंग ही ना या, हे, या, तो लोगों ने मुझे मना किया कि वहाँ गांव जाकर ये टॉकीज फिर से शुरू ना करें। क्यों करा मना लोगों ने? अब एक्चुअली बात यह है मैडम कि
ये जो नैना टॉकीज जो है ना, वो मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है। दामन दागदार है, शैम्पू जागदार है। तो मैडम, आज से 40 साल पहले ये नैना टॉकीज में एक बड़ी फिल्म का प्रीमियर हुआ था और सारे स्टारकास्ट भी वहीं पे आए थे। तभी वहाँ पे आग लगी और वो सारे सितारे उसमें जल गए और नैना टॉकीज भी जल गई। उसके बाद सुनने में आया कि उनकी ये स्टार्स की रूह जो है वहाँ पे भटकती पाई गई है। और आज फिर से मैंने ये टॉकीज शुरू की तो ऐसी घटनाएं घट रही है। दामन दागदार है, शैम्पू जागदार है। What rubbish, ridiculous. ओहो रुस्तम भैया, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि आपको भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। Well, भूतों को देता हूँ मैं डांट इस दा, खड़ी कर देता हूँ कि मैं खाट इस दा। जब मैं नाभा में था ना, एक बार रात को आ रहा था। देखो ऐसा है कि जो अंधविश्वास की बात है इसमें ना तो हमारा विश्वास है और मैं ये चाहूंगी कि ऐसी अंधविश्वास की बातों में आप में से किसी का विश्वास ना रहे। रही बात तुम्हारे सिनेमा हॉल की, तो भैया फिल्म जो दिखाई जावे है ना, वो दिखाई जावे एक प्रोजेक्टर के थ्रू, और प्रोजेक्टर चलावे प्रोजेक्शनिस्ट, मतलब के बोले उसे प्रोजेक्शनिस्ट। तो भैया प्रोजेक्शनिस्ट से बात करो, उससे पूछताछ करो कि कौन सी रील चला रहा कि रोमांटिक लग रही और उसमें हॉरर घुस गई। ठीक है तुझसे बात कर रहे हैं मैं? हमसे? तो वही है ना जो नैना टॉकीज में प्रोजेक्टर चलाता है। हाँ साहब, डॉन, डॉन तिवारी नाम है हमारा। बनना था एक्टर, चला रहा हूँ प्रोजेक्टर, रील बदल बदल के। अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन भैया रोमांटिक फिल्म चलती है, अच्छी देखने वाली फिल्म चलती, तुम उसमें भूत वाली फिल्म काहे लगा देते हो भाई सडनली? हाँ यार, मतलब ऐसी हॉरर और भूतिया फिल्म में चला के क्या मिलता है तुम्हें? वो भी ऐसी डरावनी फिल्म जिसे देख के लोग जाते हैं भाग इसदा, मेरी सास ने मुझसे साफ करवाया 10 किलो मेथी का साग इसदा। बहुत सही कराया साहब, मैं खुद परेशान हूँ रील बदल बदल के। किससे? अपनी सास से? नहीं, टुल्लू प्रसाद से। टुल्लू प्रसाद कौन है, तुम्हारा ससुर? नहीं, ये वो है जिसका है सारा कसूर। आज से ठीक 40 साल पहले टुल्लू प्रसाद नैना टॉकीज में प्रोजेक्टर चलाया करता था और वहां पर आग लगने के बाद उसकी मौत हो गई और वो वहां भूत बन के घूमता। और ये सारा काम भी वही कर रहा है। अरे ऊपर कौन बैठा है यार? टुल्लू प्रसाद। वेल, तुम ये कैसे सकते हो कह इसदा, मैं अपनी बीवी को जुल्म रहा हूं सह इसदा। हाँ साहब, ये टुल्लू प्रसाद ही है, क्योंकि मैं तो प्रोजेक्टर चलाता हूँ और जैसे ही चलाता हूँ मेरे कान पर एक थप्पड़ पड़ता है और मैं दूर 10 फुट जाके गिरता हूँ और बेहोश हो जाता हूँ। तुम जब होश आता है तो हॉरर फिल्म चल रही होती है। बनना था एक्टर, चला रहा हूं प्रोजेक्टर, रील बदल बदल के। ये बताओ
तुम्हारा ये मानना है कि ये जो टुल्लू प्रसाद की आत्मा ये सब कुछ कर रही है काम, और उस वक्त जो पर्दे पे एक्टर थे जो जल गए, उनकी आत्माएं उनके भूत लोगों को ये सब तपा रहे हैं ये हैं। टॉन तिवारी कभी झूठ नहीं बोलता साहब। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आज रात नाइट शो देखने आइए। भैया को भेज देते हैं सर, भैया भूतों के छक्के छुड़ा देते हैं। वाला क्या बात है, वाओ, डिसाइड हो गया, बुढ़ाव आएगा तुम्हारे हॉल में शो देखने के लिए, नाइट वाला डिसाइडेड। कैरी ऑन। हाँ हाँ, अरे सुनो, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। हाँ 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 हाँ, तू एक काम करना, तुम ना अपना खाना वाना खा के सो जाना, ठीक है? हाँ मैं साजरे आऊँगा, मैं 2:30 बजनगे। हाँ चाबी हैगी मेरे को, मैं दरवाजा खोल के अंदर आ जाऊँगा, ठीक है? तू चुप करके सो जी, ठीक है? चल रब राखा। हाँ क्या हुआ भैया, आप थोड़े डरे हुए लग रहे हो। वेल नॉट एट ऑल इज द, मुझे चाहिए एक स्मॉल इज द। मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ, आपके चरण छू के मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आपके चरण कहाँ है भैया? इनसाइट। भैया आप कितने महान हैं, कितने महान हैं आप। आपको भूतों से डर नहीं लगता, भूतों से, आपको भूतों से डर नहीं लगता भैया। लेकिन मैं कितना डरता हूँ भूतों से। अब मेरे तो कई किस्से हैं, मैं आपको एक अपने गाँव की एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मुझे एक चुड़ैल मिली थी। ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाओ भैया। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था, सुनसान रात थी, एकदम सुनसान, बिजली कड़क रही थी। आगे मैं अकेला था, हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान आने वाला है। कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मैं चलते जा रहा था सुनसान सड़क पर, पैदल पैदल। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अच्छा, मैंने पलट के देखा, पीछे कोई नहीं था। तभी एक उल्लू की आवाज आई। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.